जब से ये गांव बसा ना तब से था, लेकिन कैंप स्टे किया था। क्या करेगा, टावर नहीं है। ओके, रहने के लिए सब कहा के यहाँ की टावर आने के लिए यहाँ पे चला। ओके, देखो काजा में हाय वर्क फ्रॉम होम चालू है गाइस। इधर वर्क फ्रॉम काजा नेटवर्क भी होना बहुत गलत है। हाँ, वेकेशन के आते भी ये होता है। अगर नेटवर्क हो तो जैसे ही नेटवर्क मिला तो यही चालू है कल से, है ना। सो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो हम लोग काजा में रुके थे, आज हम निकल रहे हैं काजा से और हम आज कवर करेंगे काजा के सब पॉइंट्स जितने हो सके उसमें, एंड बाद में निकलेंगे शायद टाबो या फिर नाको के लिए। लेट्स सी, डिपेंड्स ऑन टाइम कहां तक जाते हैं, कहां तक पहुंचते हैं। ठंडी तो बहुत है यहां पे भी, सुबह सुबह ऐसा लग रहा है। और ऊपर उधर है ना, ऊपर थोड़ी हल्की हल्की बर्फ गिरी है, थोड़ा थोड़ा गिरा हुआ है। और ये व्यू है हमारे विंडो से, वहां पे भी यू कैन सी थोड़ा सा स्नो गिरा हुआ है, वो माउंटेन पे ज्यादा दिख के आ रहा है। और ये व्यू है मस्त। okay, अभी निकलते हैं फटाफट, ये रेडी होए, ये उठे तो हम निकले। एक्चुअली हेलमेट अपने ले लो और ये टाड़ा। और हमारे सांप वो किधर, वो सांप किधर गए हमारे जो 5 बजे से उठे, किधर है वो? वो नीचे फेमस है, वो रसोई के पीछे पड़े ताकि वो खा हमारे लिए नाश्ता बनाए। वो 5 बजे से उठा है, सबके पीछे पड़ा हुआ है कि जल्दी उठो जल्दी उठो। और वो था बॉयज का रूम और ये है हमारा गर्ल्स का रूम था। ये हमारा व्यू है यहाँ से मस्त माउंटेन व्यू। ओहो वो देखो, वो देखो, वही है फेमस जिसको होना है ना, वही है वो बेचारे, वो सबके पीछे पड़ा है। तो कार कार इज रेडी। तो हम जो है बालकनी में खुद के हम आ गए, हमने बोला मस्त व्यू एक देख लेते हैं हमारे रूम से जो व्यू दिख रहा है। यहाँ पे वेदर बहुत मस्त है, हमें जाने का तो मन बिल्कुल भी नहीं है बट जाना पड़ेगा। यू गाइस सी, तो देखते रहो हमारा वीडियो गाइस एंड सब्सक्राइब इफ यू हैवंट एंड लाइक दिस वीडियो अगर आपको ये पसंद आ रहा है वीडियो तो, एंड कीप सपोर्टिंग अस और स्टे ट्यून्ड। बाहर तो आ गए थे, मैं अभी सोच रही हूँ यहाँ से जाओ कैसे। आजा आजा, कम ऑन, इधर इधर एक हाथ से पकड़ ले अंदर। अरे हाथी पूरे फ्रीज हो गए। अरे एक एक पैर डाल इधर, मैं इधर आना इजी था। हाँ दो अरे चिराग हाय बोलता रू, हाय बाकी छे, हाय हाय यही है वो। टाइम टू से बाय टू दिस लवली व्यू। हम रुके थे ये होटल पे, ऑटो विंटर वाइट होटल, मस्त है। गाइस हम लोग निकले अभी स्पीति वैली घूमने काजा में। सो बहुत ही अच्छा क्लाइमेट है, बहुत मज़ा आ रहा है। और हम लोग ने कल का नाइट भी अच्छे से स्पेंड किया, अच्छा खासा खाना मिला हमें, खा के हम लोग मस्त तुरंत रेस्ट कर लिए और सो गए, क्योंकि हमें मॉर्निंग में सारी चीज़ें मतलब एक्सप्लोर करनी है, यहाँ पे क्या क्या है क्या नहीं है वो सब आप तक भी पहुँचाना है, इसके लिए हम लोग निकले हैं।
ओ भाई साहब वो माउंटेन को देखो यार, ये माउंटेन को देख के ना सच्ची बोलूँ ना यार कुछ अलग ही फील होता है। पता नहीं आपको क्या फील हो रहा है बट यार हमें तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये थोड़ा छोटा रोड है, अगर आप कार या कुछ लेके आ रहे हो तो थोड़ा प्लीज स्लो चलना। ओके यहाँ से हमें यू टर्न घूमना है तो हम जा रहे हैं पहले लांगा। ऐसे दिख रहा है कि धूप है बट ठंडी है, ठंडी बहुत लग रही है। हवा जो है ना, अभी मैंने बाइक में मेरे कान का जो रहता है ना पट्टा वो भी बांध के रखा है, उसमें थोड़ा तो कॉटन भी घुसा के रखा है मेरे कान के अंदर। और आप भी ये करना क्योंकि अगर आपके कान में और पैर में दो चीज़ों में ठंडी लग गई ना तो यहाँ पे आप बीमार पड़ गए। कल हमने ऑयलिंग वगैरह भी कर लिया, बोला थोड़ा हमारा किलोमीटर हो गया था 3000 तक, तो बोला ऑयल थोड़ा कलर चेंज हो गया है तो भाई तुरंत कर लो। हाँ यहाँ से आपको देखो पूरा कागा दिखाई देता है एकदम ब्यूटीफुल व्यू के साथ। बहुत लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो। थोड़ी स्टिप में मैं उतर के जैसे जैसे ऊपर जा रहे ठंडी और पड़ रही है। मैं तो आज बाइक वाला जैकेट भी नहीं पहना है तो मेरे को तो और ठंडी लग रही है। भले मैंने ये पोंचो पहना है बट स्टिल जैकेट का काम जैकेट ही कर सकते हैं। चलो लेट्स गो। सो थोड़ा ये गाड़ी में मोशन नहीं पकड़ रहा था वेट की वजह से तो मैंने मीनल को यहाँ पे उतरा दिया है और अब मैं अकेला चला रहा हूँ बाइक। कल ही हम लोग ने पेट्रोल भी फुल भर लिया क्योंकि हम लोग ने मनाली में जो पेट्रोल भरा था उसके बाद पेट्रोल भराने हमने कोई पेट्रोल कैरी नहीं किया था क्योंकि हम बोले हम तो पहुँच जाएंगे वहाँ तक और हम लोग पहुँच भी गए। ओ भाई ये रास्ते देखो, ये ऑफ रोड हाथ भी सब दुखा देते। जो ऑफ रोडिंग चलाने में मज़ा है ना वो कोई चीज़ में नहीं है, बट ये लोकेशन पे ऐसे माउंटेन्स ऐसे स्काई फुल ब्लू स्काई, अगर आप अभी भी देखो एकदम ब्लू स्काई है सामने मेरे। कौन सा स्टैचू है नाम बताओ जरा हमें। मजा आई चलाने को अभी अकेले अकेले तो टाइम पास होता है। चलो आ गए हैं हम लांगजा स्टैचू के यहाँ पे। The Langza Buddhist statue. Statue के पीछे भी छोटी सी हिस्ट्री है और ये जो है 14,000 हाइट पे है तो गंदी हवा चल रही है और गंदी ठंडी लग रही है। पोंचो भी पहना है तो भी मतलब नहीं हो रहा है लिटरली। और यहाँ से जो है मस्त व्यू मिल रहा है पूरे गांव का। ये है लांगजा विलेज, सो यू कैन सी सो डैम ब्यूटीफुल। और मस्त एंड एंड के जो माउंटेन्स है वहाँ पे मस्त स्नो पीक है एकदम। द वेदर इज ऑसम, भले ठंडी में हम कांप रहे हैं बट यस अभी तो जैकेट में घूम रहा है। मैं जैकेट निकाला भी नहीं, मैं अंदर अलग टी शर्ट पहना ताकि फोटो शूट कर लूं बट यहाँ पे इतनी हवा है ना, मैं बोला नहीं भाई मुझसे तो नहीं होगा, मैंने निकालूंगा जैकेट और आज मैं जैकेट पहनी नहीं, मैंने बोला आज। और यहाँ पे थोड़ा सांस फूलता है, ये गांव है। मैं आपको एक बार वापस बताता हूँ, यहाँ पे कान और बाकी कुछ ओपन मत करना ताकि अगर ठंडी छूट गई तो भाई बोलना नहीं। भाई मैंने बोला नहीं, अभिनव बाबू ने बताया नहीं ऐसा कभी बोलना नहीं। अमित की इंदौर से
स्टैचू के यहाँ पे मस्त हमें ग्रुप मिल गए थे, तो मस्त इन लोग से इंटरेक्शन किया। जब बाहर घूमने आते तब स्ट्रेंजर से इंटरेक्शन करने में मजा ही कुछ और आता है, अच्छा लगा मिलके, मजा आ जाती है, एकदम अलग वाली फीलिंग आ जाती है। तो बस कुछ लोगों ने कैंप भी लगाया है। यस, यू कैन सी योर ग्रेट। और यहाँ पे है कैफे, यहाँ पे आप पार्किंग कर सकते हो, नीचे तक लेके आ सकते हो। यहाँ पे भी आपको स्टे ऑप्शंस मिल जाएंगे, बट ये भी हाइट पे आ जाता है, 14,000 के हाइट पे है, सो अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान। चलो बाय बाय बाय। ये स्टैचू है ना 3 साल पुराना है। कितना? 3 साल पुराना। ये जो है वो ओके, इसके पहले था वो मिट्टी का था। ओके ठीक है, वो था जब से ये गाँव बसा ना तब से था, लेकिन ये मिट्टी का बनाया, मिट्टी का तोड़ के सीमेंट का बनाया, इसलिए क्योंकि मिट्टी का था तो मेंटेनेंस करने में बहुत दिक्कत आती थी। ओके ठीक है, तो वो फिर इन्होंने वो तोड़ के फिर ये नया बनाया। ओके, ये 3 साल हुए उसको। अच्छा। यहाँ पे बारिश के जगह बर्फ ज्यादा गिरती है, -24 डिग्री टेम्परेचर रहता है, 3.5 से 4 फुट बर्फ गिरती है। छोटा हिस्ट्री बिहाइंड दिस स्टैचू, बुद्धिस्ट स्टैचू। चलो बाय, मजा आ गया यहाँ पे, वाह बहुत अच्छा लगा यहाँ पे टाइम स्पेंड करके। अब हम निकल रहे आगे की तरफ। हाँ चलो ग्लोव वगैरह पहन लो फटाफट, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा टाइम हाथ खुला नहीं रह सकते। देखो कल किसी ने कैंप स्टे किया था, ओके तो वो लोग भी अभी कैंप ओपन कर रहे हैं। बाय बाय, लेट्स गो। ओहो यहाँ की चढ़ाई मतलब बहुत ही, इसके लिए मीनल को नहीं बिठाया मैंने, मैं बोला मैं अकेला रहूँगा तो चढ़ा लूँगा। ओहो भाई, थोड़े बहुत रील बनाए हैं, अगर आप हमें अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो अभिनल व्लॉग चैनल को इंस्टा पे फॉलो करो। दिख रही हमें गाड़ी, तो मतलब रुक के थोड़ा दिखा देता हूँ, क्या मस्त कब वाला रोड है, ऐसे 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 ऐसे, ओके यहाँ पे आएगी, वो देखो गाड़ी। हाय मिनल को देखो, मिनल को देखो। ओहो झूले जी, झूले अच्छा काम कर रहे हो। ओके तो ये टेम्परेचर में काम करना बहुत डिफिकल्ट होता है, और हमारी गाड़ी देखो मोशन में। ओहो चढ़ो चढ़ो चढ़ो, धक्का मार के चढ़ो। वहाँ पे देखो ब्यूटीफुल स्नो, ब्यूटीफुल स्काई, एंड ये एडवेंचर वाला रोड। वाह ऐसी जिंदगी है तो मज़ा बहुत है। सो जिंदगी बहुत छोटी होती है भाइयों, सो इसे खुशी से और जितना टाइम है उतने में जी लो, क्योंकि आगे का तो पता नहीं, जितना है खुशी से एडवेंचर और सारी जो दुनिया है देख सकते हो तो देख लेना। घूमने के लिए आपके पास टाइम नहीं है या और कुछ प्रॉब्लम है तो हमारे वीडियोस देखो, पूरे वीडियो देखना, ताकि आपको पूरा डिटेलिंग में पता चले कि कितना डिफ़िकल्टी होता है ये सब करने में और कितना मज़ा आता है, दोनों चीज़ें हैं। और हम दोनों आपको बताते हैं क्या क्या हमें करना पड़ता है इसके लिए। सुबह जल्दी उठना पड़ता है, ठंडे पानी से नहाना पड़ता है, और ऐसे से मौसम में बाइक को धक्का मारना। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे चल रहा है? बढ़िया, मजा आते है यहाँ पे काम करने। क्या करिएगा, टावर नहीं है। ओके रहने के लिए सब कहा के यहाँ की टावर रहने के लिए यहाँ पे काजा। ओके काजा में। चलो अच्छी बात है। हाँ। यार आप लोगों की वजह से कुछ लोग यहाँ पे अच्छा खासा देख पाते हैं। टावर बनवा दीजिए जरा जल्दी में। बन जाएगी बन जाएगी, अच्छा रोड भी बन जाएगा। कहाँ घर है? हम बॉम्बे से आए, मुंबई से बाइक लेके आए। मुंबई से बाइक लेके? बाइक लेके आए। वाओ सो मैजिक। वो गाड़ी भी हमारी है, वो भी MH की है, मुंबई से आई है। चलो जी बाय बाय, बाय बाय जी, बाय बाय। चलो भाई साहब, यार इनकी मेहनत को तो दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ काम करें ना तो हमारी सांसें ऐसे ऊपर नीचे हो जाती है। माता जी केम छो, भले भले छो। अरे साली माता जी केम छो। नहीं नहीं अरे। सो हम पहुँच गए हैं कॉमिक मॉनेस्ट्री, और यहाँ पे मास्क कंपलसरी है, और ये आ गया अपना हीरो। और वहाँ पे है वर्ल्ड हाईएस्ट रेस्टोरेंट,
श्री बंद है, दोनों डोज भी लॉक किए हुए हैं। ये जो है बिल है, हम लोग इसे बजाते हैं, बट यहाँ पे लिख दिया है प्लीज डू नॉट टच। किचन एरिया, किचन एरिया ये। हमने रिक्वेस्ट की यहाँ के मॉम से कि प्लीज हमारे लिए ओपन कर दो, हम दूर से आए हैं, तो उन्होंने ओपन कर दिया हमारे लिए। तीस चालीस यस, नया है ये तो, नया है ये। वैसे पहले वहाँ था, कहाँ पे ऊपर सबसे है ना, वहाँ जो काजा चाहते समय वहाँ पर दरिया ना, हाँ हाँ उसी को बोलता है ना। ओके, वो वाला बहुत पुराना है वाला। हाँ उधर वाला कौन सा, ये उधर जो मंदिर है ना, ताबो वाला। ताबो नहीं, नहीं यही है हमारा, यही कॉमिक का ना। हाँ अभी ये जो है ना ये मंदिर। ओके ये आगे वाला। हाँ वो वाला। हाँ हाँ वो वाला बहुत पुराना, पहले पहले ये सामने जो, ये भी मॉनेस्ट्री है सामने। थैंक यू सो मच ओपन करने के लिए हमारे लिए, थैंक यू। आम्हाला भेटलेले पुन्हा एकदा परत इथे भेटलेले आहे, पार्टी नाही सोडत आमचे आता अजून नाही, यांना बघून आम्हाला खूप मोटिवेशन आलं, ह्या एज मध्ये सुद्धा हे एवढ्या थंडी मध्ये इथे आले आहे। वा खूप आनंद वाटला तुम्हाला भेटून परत एकदा, चला हॅपी जर्नी, बाय, भेटूया, बाय बाय। आप जो है ये जो पुराना मॉनेस्ट्री यहाँ पे भी एक्सप्लोर कर सकते हो, ऊपर और बन रहा है ये, yes. सबसे पुराना है, उन्होंने पुराना है बट अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। हाईएस्ट रेस्टोरेंट Till I get up, time is barely on our side.